भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बांग्लादेशियों को पोहा खाने की वजह से पहचानने वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। इस बयान के जवाब में शिवसेना की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। अब अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले मुस्लिम लीडर असुद्दीन ओवैसी ने विजयवर्गीय पर निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मजदूरों को पोहा नहीं सिर्फ हलवा खाना चाहिए, तभी उन्हें भारतीय, भारत का शहरी कहा जाएगा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने घुसपैठियों की पहचान पोहा के जरिए होने की बात कही थी। उन्होंने अपने सामने हुए वाक्य को पेश किया था, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना ने विजयवर्गीय के बयान को पोहा खाने वालों का अपमान बताया। विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए शिवसेना ने कहा कि इंदौर के नेता ने पोहा खाने वालों का अपमान किया है। शिवसेना ने सवाल किया कि आखिर पोहा खाने वाले बांग्लादेशी कैसे हैं। मुस्लिम लीडर ओवैसी ने विजयवर्गीय पर निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मजदूरों को पोहा नहीं सिर्फ हलवा खाना चाहिए, तभी उन्हें भारतीय, भारत का शहरी कहा जाएगा। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि कुछ मजदूरों को उन्होंने पोहा खाते हुए देखा था। जब उन्होंने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि वे बांग्लादेशी निकले। मतलब कम से कम 10 प्लेट एक थाली में रखे पोहे खा रहे थे। मैंने कहा यार पोहे क्यों खा रहे थे? मैंने कहा, मैंने अपने सरवन को बुलाया, मैंने कहा भाई इनको रोटी होती है, मैंने बोला रोटी खाते हैं। सर बुलाया मैंने, तो मैंने कहा ये कहाँ के लोग हैं? सर शायद सर ये बाहर के हैं सर। तो मैंने कहा तुम इनको कैसे मेरे काम में लगाए? बोले सर ये सस्ता ले पड़े। बोले कैसा, क्या मतलब? बोले सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम करते हैं, 2 रुपए में खाना देते हैं, 300 रुपए लेते हैं। तो अपना मजदूर 600 रुपए लेता और 5 बजे काम बंद करके चले जाता है, इसलिए हम 3 मजदूरों को रखा। बांग्लादेश से जेट प्लस सुरक्षा प्राप्त भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक आयोजन में ये चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उनके घर संदिग्ध बांग्लादेशी काम कर रहे थे। विजयवर्गीय ने बताया कि छोटे बेटे का विवाह अगले महीने है, उसका कमरा मजदूर तैयार कर रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो 5-6 मजदूर एक ही थाली में पोहे खा रहे थे। मैंने नौकर को कहा कि उन्हें खाना क्यों नहीं दिया, तो नौकर ने कहा कि ये सिर्फ पोहा ही खाते हैं। मैंने मजदूरों से पूछा कि कहां से हो, तो वे बता नहीं पाए क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि उन्हें ज्यादा सुरक्षा पसंद नहीं है। मंत्री था तब भी साथ में सुरक्षा कर्मी नहीं रखता था, लेकिन घुसपैठिए देश के कई हिस्सों में हैं। जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो 6-6 बंदूकधारी मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि इंदौर में 1.5 साल से एक आतंकी उनकी रैकी कर रहा था, इसीलिए उन्हें सुरक्षा मिली है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।